आदर करो, सत्कार करो भैया, इस टीम की जय जयकार करो। पहुंच गई है आरसीबी फाइनल में। ऑफ कोर्स विमेन्स टीम की बात कर रहा हूँ, स्मृति मांधना लेड आरसीबी की बात कर रहा हूँ, और मुंबई को उन्होंने हरा दिया और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। आज उनका फाइनल खेला जाएगा विद द दिल्ली कैपिटल्स, उसकी बात थोड़ी सी करेंगे। पर सबसे बड़ी बात ये करनी है, क्या इस साल कप नाम दे भाई? लड़कियां तो फाइनल तक पहुंच गई है, क्या आरसीबी की मेंस टीम पहुंच पाएगी फाइनल तक? क्या विराट कोहली का फाइनली वो जो ड्रीम है आरसीबी के लिए ट्रॉफी उठाने का, क्या वो फाइनली पूरा हो पाएगा? कैमरन ग्रीन का कैसे करेगी ये टीम इस्तेमाल? क्या फैफ डू प्लेसी की फॉर्म इज अ स्लाइट कंसर्न? वनिंदु हसरंगा को जाने दिया, यूजी चहल को तो पहले ही जाने दिया था, क्या स्पिन बॉलिंग में परेशानी हो सकती है? अब तो वैसे आकाशदीप भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं, सिराज अच्छा कर रहे हैं, क्या फास्ट बॉलिंग की समस्याएं अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं? लेट्स टॉक अबाउट दी आरसीबी। प्रोवो प्रेजेंस चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और आरसीबी आई टेल यू समथिंग, पहले क्योंकि हमारी विमेंस टीम ने बड़ा तगड़ा काम किया उसमें, मतलब एलिस पेरी यार, दो मुकाबले तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुंबई को हरा दिए। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर एवर अगर आप विमेंस क्रिकेट की बात करें, और शी टर्नड अप एट द राइट टाइम, चाहे वो फिर एलिमिनेटर हो या उससे पहले वो जो क्वालिफायर मैच था जहां से वो क्वालिफाई की, यू गेट माई पॉइंट राइट, 6 विकेट एंड रन, तो वो तो काम कर चुके हैं। वेल डन लड़कियों। अब जो बेटॉन है वो पास ऑन कर दिया गया, भाई लड़कों चलो तुम भी कुछ करके दिखाओ यार, क्योंकि आपका इतिहास कैसा है। लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी एंड इट्स हिस्ट्री। एक बात अच्छी है कि लॉयल्टी इज डिफरेंट लेवल, फैन क्लब या फैन बेस इज अनबिलीवेबल। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको जिंदगी में कैसा पार्टनर, लॉयल पार्टनर कैसा चाहिए, तो मैं कहता हूं आरसीबी के फैन जैसा चाहिए। फिर आंधी आए या तूफान, वो बंदा खड़ा है सीना तान, आप अच्छा करो तो आपके साथ, आप बुरा करो तो भी आपके साथ। उनका दिल टूटता जरूर है पर आपका साथ कभी नहीं छूटता है। आई मीन दिस लॉयल्टी विद द आरसीबी टीम जो इसके फैंस है ना, अनरियल है। और वो दिल्ली में भी थे, आई एम नॉट किडिंग, जब वो आरसीबी की विमेंस के मैच चल रहे थे, मुंबई के कम नजर आए, आरसीबी के ज्यादा नजर आए, और बहुत शोर मचाते हुए नजर आए, देवर लाउड देवर वोसीफरस, और ऐसा ही इस टीम के साथ हमेशा होता है। अब इनके इतिहास को अगर मैं उठा के देखता हूं तो देखिए, बड़ी लव्ड टीम है इसमें कोई डाउट नहीं है। एक समय इनका ना एक ड्रीम बैटिंग लाइनअप हुआ करता था, मतलब इससे बेहतर बैटिंग क्या होगी, सुनिए जरा। गेल है, कोहली है, एबीडी है, केएल राहुल एंड शेन वॉटसन है, आई मीन व्हाट अ बैटिंग लाइनअप, वाओ। ये टीम 16 सीजन खेली है, ऑफकोर्स उसमें से 8 बारी क्वालिफाई भी किए हैं, 3 बारी फाइनल भी खेले हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अनसक्सेसफुल टीम है, ट्रॉफी आज तक नहीं उठाई है, विच इज अ फैक्ट। पर अगर आप 3 फाइनल खेलते हैं, आप हर दूसरे साल में क्वालिफाई करते हैं, सो इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट एट ऑल। जब आप इर्द गिर्द थोड़ी सी नजर घुमाते हैं, आप कहते हैं यार ठीक ही किया, गलत तो नहीं किया। और क्योंकि वैसे राजस्थान रॉयल्स है 14 साल खेली है, 1 बार जीते जरूर है पर 5 ही बार क्वालिफाई किए हैं यार। ये 16 साल खेले, 8 बार क्वालिफाई किए, 3 बार फाइनल खेले, नहीं जीते 1 बार भी, बट दैट्स द पॉइंट। इस टीम के लिए सिर्फ एक ही पर्पल कैप विनर रहा है एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, वो है हर्षल पटेल, कि अभी तक सिर्फ एक ही बना आपका पर्पल कैप विनर इतने लंबे समय के अंतराल में, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इस टीम के लिए विराट कोहली का है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक सीजन में भी ले लो और टोटल भी ले रहा है, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली गन। एबी डिविलियर्स ने इस टीम के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैचेस जीते हैं, कुल 25 जीते जिसमें से 23 जो थे वो आरसीबी के लिए आए, दिल जान दिया है भैया लोगों ने अपना। सबसे ज्यादा छक्के आरसीबी के लिए किसने लगाया? क्रिस गेल ने लगाया, क्रिस्टोफर हेनरी गेल छक्के मारता था भाई कमाल के, और अच्छी टीम है यार, मैं मतलब कह रहा हूं कि, और हाँ, 2 ऑरेंज कैप जो है वो क्रिस गेल ने जीते हैं और 1 ऑरेंज कैप जो है वो कोहली ने जीता है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा प्राइमर, थोड़ा सा इतिहास आरसीबी का कैसा रहता है, मतलब क्या किया है इस टीम ने अभी तक। पिछले कुछ सालों से भी अब लगातार क्वालिफाई करना शुरू किया, हालांकि लास्ट ईयर दे मिस्ड द बस, लास्ट मैच में वो शुभमन गिल के पीछे पड़ गए थे, हालांकि शतक तो वैसे किंग ने भी बनाया था, प्रिंस का शतक था, वो ओवर शैडो कर गया था, कोहली ने शतक बनाया था, फिर गिल ने शतक बनाया था एंड आरसीबी कुड नॉट क्वालिफाई, हालांकि दे गॉट वेरी क्लोज। अब इस बार की 11 क्या हो सकती है, 11 से शुरुआत करते हैं, देन आई विल मूव धीरे धीरे फॉरवर्ड की तरफ चलूंगा एक एक करके। प्रोबेबल 11 एंड देन द स्क्वाड एनालिसिस। फाफ डू प्लेसी कप्तान है, खेलेंगे, विराट कोहली उनके साथ होंगे। बड़ा सवाल इनके जहन में रहेगा कि कैमरन ग्रीन का क्या करें, कहां इस्तेमाल करें। अभी के लिए मतलब मैं 11 बना रहा हूं, उसमें बैटिंग ऑर्डर मुझे नहीं पता, मैं कहूंगा कि कैमरन ग्रीन को 3 पे रखो, रजत पाटीदार को 4 पे रखो, ग्लेन मैक्सवेल को 5 पे रखो, उसके बाद अब दिनेश कार्तिक को रखो / अनुज रावत पर, दिनेश कार्तिक क्योंकि इनका आखिरी सीजन है, आई मीन आपने प्रॉपर फिनिशर के रूप में इसको, इस खिलाड़ी को अपने पास रखा है। मनोज भांदगे करके एक और इनके पास ऑलराउंडर है जिनको इन्होंने लिया है, फिर करण शर्मा द लेग स्पिनर, लॉकी फर्ग्यूसन, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज,
दैट्स अ काइंड ऑफ लाइन अप. इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप विजय कुमार बिशप को ला सकते हैं. हो सकता है कि अगर आपको बैटर के रूप में कोई चाहिए होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि अनुज रावत दिनेश कार्तिक में से किसी एक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ अनुज रावत कैन एक्चुअली बी द इम्पैक्ट प्लेयर. इस्तेमाल भी किया था ऐसी सी कुछ 11 नजर आ रही है. कैसी लग रही है आपको? चलो वो आप बताइएगा जरूर. पर आज के वीडियो के स्पॉन्सर हमारे प्रोबो हैं और प्रोबो में कुछ सवाल थे. क्या आईपीएल इस बार जीत जाएगी आरसीबी? मुझे लग रहा है नहीं जीत पाएगी. जीतने वाली टीम तो मुझे नहीं लग रही है पर्सनली. आई जस्ट पुट माई हैंड अप. विराट कोहली की ऑरेंज कैप जीत जाएंगे? मुझे लग रहा है वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल ही तो मैंने कहा कि देख लेना कल का वीडियो कि यशस्वी जायसवाल के चांसेस सबसे ज्यादा ब्राइट हैं जीतने के. हमारा मोहम्मद सिराज क्या 18 से ज्यादा विकेट ले लेगा? मुझे लगता है ले लेगा. ही इज गुड यार. उसको 18 विकेट मिलेंगे क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी करेगा और 18 विकेट चटका जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं. अब प्रोबो पे देखिए, यहां मैं आपके साथ गप्पे मारता हूं, ओपिनियन जाके शेयर करता हूं मैं अपनी प्रोबो पर. अब प्रोबो इज एन ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर अपनी समझ के अनुसार आप कैटेगरी चुन सकते हैं. उसके बाद आसान से आसान सवालों के जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं. अब जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं. आपके सामने ऑप्शन एकदम उपलब्ध है. करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल सकते हैं. मेरे दिए गए कोड से जाओगे जो डिस्क्रिप्शन में है, अप टू ₹25 मिलेंगे. जो मैं पिछले 5 दिन से आपको बिल्कुल टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बता रहा हूं, ₹25 फ्री है, वो तो इस्तेमाल कर लो कम से कम. और हमेशा इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली और इस पूरे T20 सीजन ओपिनियन का इस्तेमाल करो, प्रोवो करो. अब जरा शुरू करते हैं हम स्ट्रेंथ्स की तरफ. अब स्ट्रेंथ क्या है इस टीम की? भैया बैटिंग देखो यार. बैटिंग में अगर शुरुआत में आगे फाफ डुप्लेसी, उनके साथ होंगे विराट कोहली, फिर आते हैं कैमरन ग्रीन, फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल या फिर रजत पाटीदार. दीज फाइन फाइव गन बैटर्स. रजत पाटीदार अगर आपको लग रहा है कि वो अरे अभी तो टेस्ट में अच्छा फॉर्म नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहुंचता है चिन्ना स्वामी उसकी फॉर्म अपने आप आ जाती है. और इस टीम के पास बैकअप में ना विल जैक्स भी है, तो इनके पास विकल्प मौजूद है, विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं. और टॉप 5-6 तो एज गुड एज यू कैन हैव. कि फाफ और कोहली पिछले साल तो काफी थे, मैक्सी भी अब कंसिस्टेंट हो चुके हैं. मतलब पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि कंसिस्टेंट हो चुके हैं. पहले था ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, पता नहीं था कौन सा ग्लेन मैक्सवेल आपको मिलेगा, पर अब वो रन बनाता भी है, विकेट चटकाता भी है. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. और रजत पाटीदार एंड कैमरन ग्रीन इज गन. आई मीन 17.5 करोड़ रुपए में आपने इनको लिया है. हालांकि वो क्यों लिया था मतलब समझ में नहीं आया कि मतलब मुंबई को आपने बचा लिया एक्चुअली, क्योंकि अगर आप नहीं वो ट्रेड करते तो फिर तो मुंबई फंस गई थी. कि हार्दिक के ट्रेड के बाद उनके पास पैसे नहीं बचे थे टू बाय फास्ट बोलर्स, पर अल्टीमेटली आपने उनकी मदद की, उनको अच्छे फास्ट बोलर्स मिले, उनकी बात बाद में करूंगा. पर इनके पास बैटिंग अच्छी है, इनके पास पेस बोलिंग का डिपार्टमेंट भी अच्छा है. गॉट अ वेरी डिसेंट पेस बोलिंग डिपार्टमेंट. क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आकाशदीप यहां पर है, लॉकी फर्गसन यहां पे, अलजारी जोसेफ यहां पे है, मोहम्मद सिराज यहां पर है, आपके पास रीस टोपली भी है, विजय कुमार बिशप भी है, आपके पास यश दयाल भी है. आई मीन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. टोपली की अवेलेबिलिटी पर भी पता नहीं 50-50 चल रहा था, कोई बता रहा था, कंफर्मेशन नहीं आई. पर फास्ट बोलिंग का गैंग विंग के पास पूरा तगड़ा है, एकदम द बैंड ऑफ फास्ट बोलर्स दे डू हैव. तो फास्ट बोलिंग अच्छी, बैटिंग बहुत अच्छी, ये इस टीम की मैं कहूंगा ताकत तो यही है भैया, ये तो माननी पड़ेगी आपको बात. अब वीकनेस क्या है? सी वीकनेस बड़ी अपेरेंट, जब मैं गेंदबाज गिनने लगता हूं तो मुझे लगता है स्पिनर कहां है, कहां है स्पिनर, क्यों नहीं खरीदते हो स्पिनर? क्योंकि स्पिनर के अंदर इन्होंने मयंक डागर को लिया हैदराबाद से. मयंक डागर इज ऑल राइट, बट शहबाज अहमद भी उतना ही काम कर रहे थे जितना मयंक डागर करेंगे. उसके बाद आपके पास करण शर्मा है, हु इज अ वेरी गुड बोलर, पर करण शर्मा को भी आप इस्तेमाल करते हुए थोड़ा संकोच करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, हर जगह उनको बोलिंग नहीं कराते हैं, दैट आई डोंट लाइक पर्सनली. उसके बाद कोई मैं बहुत बड़े नाम तो यहां नहीं देख रहा हूं, जिसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स के नाम जरूर हैं, राजन कुमार, हिमांशु शर्मा, स्वप्निल सिंह, आई मीन हैं गेंदबाजों के नाम, पर क्या ऐसे स्पिनर हैं जिनको देख के आप बोलो वाओ क्या स्पिन की टीम है यार? और आई टेल यू वाई, कि 22 तारीख को मैच होगा इस टीम का चेन्नई के साथ. आई रिमेम्बर एक मैच हुआ था जो ओपनिंग एनकाउंटर था, वहां पे बॉल टर्न हो रही थी, टर्न होती तो ये फंस जाते हैं और खुद के पास स्पिनर होते नहीं है. तब खुद के पास तो इस बार भी बड़े लिमिटेड स्पिन ऑप्शंस हैं, ग्लेन मैक्सवेल से 4 ओवर की उम्मीद रखी जाएगी हर बार, दैट्स नॉट आइडियल. तो स्पिन बोलिंग के विकल्प का कम होना, एंड उसमें एक और लेयर भी है. देखिए जहां आप खेलते हैं आप 14 में से 7 मैच, दैट्स बेंगलुरु, वहां पे ना अच्छे अच्छे स्पिनर्स, अच्छे अच्छे बोलर्स की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, इट्स अ बोलर्स ग्रेवयार्ड. तो ऐसे में जो आपका डिपार्टमेंट हो गेंदबाजों का, फास्ट बोलिंग अच्छी लग रही है, पर जो बाकी स्पिनर्स वगैरह आपके पास रिस्ट स्पिनर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड स्पिनर होने चाहिए, क्योंकि उनकी पिटाई बहुत होनी है, तो देन यू नीड क्वालिटी ऑफ अ डिफरेंट लेवल. वनिंदु हसरंगा आपके पास था, आपने जाने दिया, वापस मिल सकते थे, आपने नहीं लिया. यूजी चहल को तो आपने पहले ही जाने दिया था, और उसके बाद कोई ऐसी इंटेंट भी नहीं दिखाई है कि वांट क्वालिटी स्पिनर्स. तो लैक ऑफ गुड स्पिनर्स इज अ प्रॉब्लम इज व्हाट आई सी. और दूसरी मुझे लग रही है ना पोटेंशियल वीकनेस है, पोटेंशियल अभी कह नहीं सकते हो सकती है नहीं होगी, फाफ डुप्लेसी का फॉर्म. SA20 एक मैच अच्छा टीम को आगे पहुंचाया, वेल डन, वेरी गुड, पिछले साल एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. फाफ डुप्लेसी आउटस्टैंडिंग प्लेयर विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट,
पर सच बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या कंपेटेटिव क्रिकेट तो बहुत लंबे समय से नहीं खेल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं। ऐसे 20 आया, उससे पहले कुछ नहीं खेल रहे थे, तो गैप जब लंबे होते जाते हैं तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर आपको 50-50 सशक सा होना शुरू हो जाता है। हालांकि अगेन बात सच है, जब आप चिन्ना स्वामी पहुंचते हैं तो फॉर्म अपने आप आ जाती है, तो ये हो सकता है कि उनकी फॉर्म दोबारा आ जाए, पर अगर नहीं आती है तो देर इज अ प्रॉब्लम। वो आपके कप्तान है, वो आपके ओपनर है, कहीं मिड सीजन आपको क्या कप्तान बदलोगे अगर उनकी फॉर्म अच्छी नहीं रही तो, दैट इज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है। और बाहर विल जैक्स बैठे हुए हैं जो इतनी जबरदस्त रेड हॉट फॉर्म में आए हैं कि आपका मन तो दिल धड़कता रहेगा, खिला लू खिला लू खिला लू, लेकिन खिलाओगे कैसे, तो ये एक समस्या रहने वाली है। अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विच आई कैन फोरसी, दैट इज फाफ टू प्लेसी का फॉर्म, और अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं तो फिर मिड सीजन कप्तानी में चेंज, इज दैट अ पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो, यू टेल मी। अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटी वंस अगेन इसमें रजत पाटीदार, क्योंकि अब टेस्ट अगर अच्छे नहीं खेले आपके, नहीं हुआ आपका प्रदर्शन अच्छा, तो फिर यही मौका है, इसको अपने नाम कर लीजिए। कैमरन ग्रीन लिव अप टू द रेपुटेशन, पर मैं वो चाहूंगा कि कैमरन ग्रीन को आप 3 नंबर बैटिंग करा के 10 मैच खिला दो, ही विल डिलीवर, पर अगर आपने उनको ऊपर नीचे किया तो दैट कुड बी एन इश्यू। विराट कोहली ओपन ही करेंगे या नीचे आएंगे, ये भी एक सवाल हो सकता है कि पता चले कैमरन ग्रीन को ओपन करा दिया आपने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंडिया की टीम बनेगी T20 वर्ल्ड कप की जिसमें विराट कोहली होंगे तो बैटिंग तो नंबर 3 पे करेंगे, तो फिर क्या पता उनके मन में हो कि यार ओके वो वाली मेरे को चुनौती सामने दिख रही है, तो उसके लिए मैं तैयारी आज से करता हूं, इज दैट अ पॉसिबिलिटी। आई मीन किसी ने कहा नहीं है, पर आउट ऑफ बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है ये, क्योंकि विराट कोहली से आप तैयारी की उम्मीद करते हैं एकदम परफेक्ट कि भाई हर तरीके से वो तैयारी पूरी करेंगे, तो दैट कुड बी अ रीजन कि वो सोचे मुझे 3 पे खेलना है क्योंकि इंडिया के लिए तो मैं 3 पे खेलने वाला हूं, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। अपॉर्चुनिटीज आई मीन करण शर्मा के लिए है, स्पिन डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, पर लॉकी अल्जारी, सी अल्जारी इज वेरी एक्सपेंसिव, अब लॉकी अल्जारी में से किसी एक को आप खिलाएंगे जरूर, पर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है क्योंकि अल्जारी पे पैसे बहुत खर्च किए हैं, और लॉकी सस्ते में मिल गए थे, पर लॉकी इज अ गन बोलर। मोहम्मद सिराज, विजय कुमार बेशक, आकाशदीप, आई मीन सो ये अपॉर्चुनिटीज तो आप हर वीडियो में यही देखेंगे कि यार बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी है, तो यहां पे भी वही स्टोरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है, बैटिंग के साथ बहुत सारे रन बनाओ, इतने बना दो कि जो आपकी बॉलिंग में थोड़ी कमियां हैं कमजोरियां हैं वो नजर ना आए। आई मीन दैट्स द थिंग आई एम थिंकिंग, कि जब आपके पास मैक्सी हो, विराट हो, फाफ हो, कैमरन ग्रीन हो, रजत पाटीदार हो, दिनेश कार्तिक स्लैश अनुज रावत हो, जब आपके पास इस तरह की बैटिंग हो, तो फिर आप कहते हो यार लेट मी गो एंड स्मैश हैमर एंड टॉन्ग्स करता हूं कोशिश। हालांकि वीकनेस में एक और चीज आप जोड़ सकते थे, फिनिशर्स की थोड़ी सी कमी नजर आई है। दिनेश कार्तिक बहुत एक्सपीरियंस, बट वो खेल से बहुत दूर है, जो बात फाफ के लिए सच है वो बात इनके लिए भी उतनी ही सच है, उतनी नहीं है शायद पर काफी है, और आखिरी सीजन है इनका, तो फिनिशर इनके पास थोड़े से कम है, पर बैटिंग में गो 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 190-195-200 रन बनाओ, और बोलिंग के साथ उम्मीद करो कि फास्ट बोलर्स विकेट चटकाएंगे, स्पिनर्स जो है कंटेनिंग का काम कर पाएंगे। आई थिंक ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी इस टीम के पास हो सकती है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट को ये विकेट टेकिंग ऑप्शंस की तरह देख नहीं सकते हैं, वो विकेट ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि प्रेशर जो है फास्ट बोलर्स बनाए, अगर वो काम कर देते हैं तो स्पिनर्स के खाते में भी विकेट जा सकती हैं, अन्यथा फास्ट बोलर्स कैसे विकेट मांगेंगे और बल्लेबाजों से रन मांगेंगे, दैट्स द स्टोरी। फिनिशर उतने नहीं है, इसलिए टॉप ऑर्डर टॉप 4-5 विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर 20 ओवर्स। आज के लिए मेरे पास इतना ही है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।